रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। रूस की लगातार बमबारी के कारण यूक्रेन का भविष्य खतरे में है। लाखों लोग बेघर और सैकड़ों बच्चे अनाथ हो गए हैं। अकेले डोनेस्क में ही 462 बच्चों की मौत हो गई है। यूनिसेफ के मुताबिक यूक्रेन के कुल 15 लाख बच्चे और साथ घबराहट, तनाव और मानसिक रोगों से पीड़ित पाए गए हैं। वहीं यूक्रेन भी रूस के इन हमलों के बाद चुप नहीं बैठा है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने जानकारी दी कि 30 मई की सुबह यूक्रेन ने मॉस्को में ड्रोन हमले किए हैं, जिससे मॉस्को में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सोबियानी ने कहा कि मॉस्को में इन इमारतों में रह रहे 85 लाख से अधिक लोगों पर ड्रोन हमले का खतरा था, लेकिन इस अटैक से मामूली नुकसान हुआ है और शहर की इमरजेंसी सेवाएं हमले वाली जगह पर तैनात है। वहीं रूसी सांसद मैक्सिम इवानोव ने दावा किया कि मॉस्को पर यह ड्रोन अटैक दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे गंभीर हमला था। अब मॉस्को के गवर्नर एंड्री बोरोबियो ने दावा किया कि रूसी राजधानी को निशाना बनाने वाले कई ड्रोन्स को मार गिराया गया है। सरकारी न्यूज एजेंसी तास ने गवर्नर के हवाले से कहा कि आज सुबह मॉस्को क्षेत्र के कुछ जिलों के लोगों ने विस्फोटों की आवाज सुनी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने टेलीग्राम पर कहा कि कीव ने कम से कम 8 ड्रोन का उपयोग करके आतंकवादी हमला किया। सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया। उनमें से 3 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की वजह से नियंत्रण खो बैठे और अपने टारगेट से भटक गए। अन्य 5 ड्रोन को मॉस्को क्षेत्र में पैंटीर एस सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम द्वारा मार गिराया गया। दूसरी ओर यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि रूस ने ईरान के बने 31 ड्रोन कीव में लॉन्च किए थे, जिनमें से 29 को नष्ट कर दिया गया। रूस के इस अटैक में 1 यूक्रेनी महिला की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सोमवार को यूक्रेन के सैन्य खुफिया प्रमुख जनरल किरिलो बुडानोव ने कीव पर रूसी मिसाइल हमलों का जवाब देने की भी चेतावनी दी थी, जिसके बाद यूक्रेन ने रूस में ड्रोन हमला कर दिया।